अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी पे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सेल करने के लिए। या रियल स्टेट है आपके पास, आपके पास प्रॉपर्टी, आप उसे सेल करना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं अपनाना, आपने कोई कोई धमाकेदार स्ट्रैटेजी नहीं बनानी कि आप सोचो कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि बस क्लाइंट ही क्लाइंट होंगे और आप रातों रात अमीर बन जाओगे, प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी बेचोगे और पैसा ही पैसा होगा। कोई अभी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाना। आप न्यू भी हो तो एक चीज पे ध्यान रखो, पहला ऑनेस्टी के साथ काम करो। जब सुबह उठो तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर ऑफिस जा रहे हो, जिस ऑफिस के साथ आप जुड़े हो, जिस कंपनी के साथ जुड़े हो, या इंडिविजुअल भी ब्रोकिंग बिजनेस कर रहे हो, रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, तो ध्यान रखना ऑनेस्टी के साथ काम करोगे। जिस क्लाइंट को भी सर्व करोगे ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, छल कपट नहीं करोगे। ये ध्यान में रहना चाहिए, यही आपका लॉन्ग टर्म गेम होगा, यही आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होगी ऑनेस्टी के साथ। दूसरी चीज़ आप जो फोकस करोगे वो अपनी स्किल्स पे, कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारो, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कैसे काम कर सकते हो, आप लोगों के साथ कैसे किस तरह से बात व्यवहार करोगे, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। आप अपनी मार्केटिंग स्किल्स कैसे सुधार सकते हो, अगर आप सेल्स में अच्छे हो, कम्युनिकेशन में अच्छे हो, तो मार्केटिंग के लिए आपके साथ कोई टीम में कोई सदस्य होना चाहिए जिसके साथ आप कोलैबोरेट करके काम कर सको, एज अ टीम काम कर सको। तो ये स्किल्स आपको जरूर अटेन करनी है अपने आप पे, किस तरह से आप डील करते हो क्लाइंट के साथ। तो पहला कि ऑनेस्टी के साथ काम करना है, ऑनेस्टी इज द की टू योर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। दूसरा अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है कि आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तीसरा अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, तजुर्बे को बढ़ाओ। शुरुआती टाइम में अगर आप न्यूबी हो, रियल एस्टेट बिजनेस में नए आए हो, प्रॉपर्टी के काम में नए आए हो, नए एजेंट हो, नए ब्रोकर हो, तो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ, अपने तजुर्बे को बढ़ाओ। वो कहते हैं ना, उस एक सक्सेसफुल इंटरव्यू अचीव करने के लिए आपको उससे पहले दो तीन फेलियर्स या चार पांच फेलियर्स से गुजरना पड़ेगा, तो तभी जाके आप एक एक इंटरव्यू सफलता के साथ दे पाओगे। तो वही चीज़ रियल एस्टेट बिजनेस में भी है। ट्राई टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, जितने मैक्सिमम लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, जितने ज़्यादा लोगों के साथ, जितने ज़्यादा क्लाइंट से आप मिलोगे उतने ज़्यादा आपको सवाल मिलेंगे, उतने ज़्यादा आपको के पास क्वेश्चन आएंगे। तब नेक्स्ट टाइम आप किसी नए क्लाइंट को सर्व करोगे तो पुराने क्वेश्चन आप उनके आंसर आपके पास होंगे। तो दैट्स दैट्स दी स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग रियल एस्टेट बिजनेस। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉलेज। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को लेके, जो आप प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिस मार्केट में आप काम कर रहे हो उस मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपसे इंटरेक्ट करे, कोई भी आपसे मिले तो उसको लगे कि भाई मैं सही ब्रोकर, सही एजेंट या सही पर्सन के पास आया हूँ, ये मुझे सही चीज़ सर्व करेगा। अगर इस मानसिकता के साथ काम करोगे और इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो यही आपके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, यही आपके लिए लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट की सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। आई होप शौनक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।